मेरी अवेकनिंग से कुछ महीनों पहले शिरडी में जब मैं थी, शायद ठंडी से भी हो सकता है, ज़्यादा बहुत ठंडी होती है ना, जिनको मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनको धूप में भी बैठना चाहिए, क्योंकि माइंड में जो ब्रेन की रक्त वाहिनी कहो या जो भी है वो एकदम मतलब कड़क हो जाता है जैसे, तो उसको भी जो है ना मूवमेंट के लिए गर्मी की ज़रूरत होती है, तो थोड़ा धूप में बैठना चाहिए। तो मैं जिस घर में रहती थी वो एकदम फ्रिज था, मतलब साइड में रूम, पीछे रूम, आगे रूम और पूर्व मुखी घर था, तो बस 9 बजे तक थोड़ी सी कोमल सी धूप आती थी, उसके बाद जो है घर एकदम ठंडा, ऊपर भी घर, नीचे भी घर, और मैं बीच में जैसे सैंडविच बन गई थी, बहुत ही भयंकर ठंडा। तो उस टाइम पे जो है मुझे अचानक, पता नहीं शायद ठंड से हो या ये लिखा ही हुआ था, तो मैं थोड़ा डिप्रेस फील करने लगी, और मेरे जैसे मुझे लगा लाइफ में कुछ भी नहीं है, सुसाइडल जैसा लगने लगा कि बेकार लाइफ है। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं किसी चीज़ में मन लगाऊं, बट मुझे पता नहीं किसी भी चीज़ में आनंद ही नहीं आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि अब अगर मुझे किसी चीज़ में आनंद ना आए तो शायद मैं मर ही जाऊं या सुसाइड ही कर लूं, इतना मुझे मतलब बेकार सा लग रहा था सब कुछ, किसी चीज़ में मज़ा ही नहीं आ रहा है, जैसे कोई खुशी ही नहीं है लाइफ में, बस वही वही एक ऊटपटांग लाइफ, कुछ भी खुशी नहीं है, ऐसा उस समय मुझे महसूस होने लगा। और कहाँ से ये मैंने सोचा कि मुझे क्या पसंद है, मैं किस चीज़ में मन लगाऊँ जिससे मुझे थोड़ा सा अच्छा हो, तो मुझे मैं देखती थी कि बचपन में हम खेलते थे हिप्नोटिज्म का गेम खेलते थे, जैसे डॉक्टर बोलते ना अब इस पेंडुलम की तरफ देखो, अब तुम पूर्व जन्म में जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, तो हम बच्चे बच्चे खेलते थे और मैं उनको बोलती थी तुम पूर्व जन्म में जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, अब तुम बच्चे हो, ये हो वो, कहीं से वीडियो देख लिया था सीरियल में कुछ, और वही मैं कर रही थी। तो मुझे लगा हाँ यार मुझे बड़ा मज़ा आता था, और मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि मैं अपने पास्ट लाइफ में जाके देखूँ मैं कौन थी क्या थी, अब नहीं है क्योंकि अब झमेले इतने हैं, मुझे समझ में आ गया कि पास्ट लाइफ में भी कुछ ऐसा वैसा हुआ है, कुछ खुशी नहीं, कुछ गड़ा हुआ धन नहीं है वहाँ पे, बस जो है ठीक है प्रेजेंट में जियो यार, कहा वो, क्योंकि थोड़ा बहुत पास्ट लाइफ भी, 2-3 पास्ट लाइफ मैंने थोड़े से देख लिए, तो मैंने देखा कि उसमें भी मैं अकेली ही थी, मतलब मैं अकेले ही फाइट कर रही थी, मैं अकेले ही, मतलब उस ज़माने में शायद लोग घोड़े पे बैठते थे, झांसी की रानी जैसे कपड़ा पहनती है, मतलब लुगड़ा मराठी में कहते हैं उसको, तो वो लुगड़ा पहन के मैं, नवारी भी बोलते हैं, तो नवारी पहन के मैं घोड़े पे बैठी हूँ और मैं किसी शादी में जा रही हूँ, क्योंकि मेरी दादी बताती थी कि उनके ज़माने में जो है घोड़े पर ही बैठ के वो अपने मैके जाती थी, मतलब लेडीज़ भी घोड़े पर बैठती थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, झांसी की रानी ही बैठे, बाकी लेडीज़ भी बैठ सकती थी, पुराने ज़माने में गाड़ियाँ नहीं थी, तो जहाँ पे बैलगाड़ी नहीं चल सकती थी वहाँ पे घोड़े चलते थे, तो मैंने देखा मैं घोड़े पे बैठी हूँ, मैं किसी शादी में गई हूँ, तो मैंने तो एक दो पास्ट लाइफ अपने देखे, बट इतना तो समझ में आया कि उस टाइम भी मैं थी अकेली थी। तो एक पास्ट लाइफ में मैंने अभी वही बताती हूँ, तो मैंने अचानक से मुझे याद आया, मैंने सर्च किया या ऑटोमेटिक वीडियो सामने आया मुझे नहीं पता, बट एक वीडियो आया सामने, अब वो कौन सा था मुझे नहीं याद, बट मैंने वो बड़ा दिल लगा कर मेडिटेशन किया, शायद मैं सचमुच अपना पास्ट लाइफ जान लूँ, सचमुच जान लूँ कि क्यों मेरी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स हैं, क्या मैं इसके मतलब जान सकती हूँ, समझ सकती हूँ। तो मैंने वो मेडिटेशन लगाया, और लगाते ही जो है मुझे दिखा कि मैं समुद्र के अंदर हूँ और मैं कछुआ हूँ, और मैंने पानी से ऊपर ऐसे देखा है और सूरज की रोशनी मुझे दिख रही है, तो इतना ही मैंने देखा। और क्योंकि ये जो मेडिटेशंस होते हैं पास्ट लाइफ के, ये बहुत ही डीप लेवल तक आपको ले जाते हैं, इतने डीप लेवल तक ले जाते हैं, देखो आपके लिए ना वो शब्दों के ऊपर ध्यान मत दो, जो कंडीशन बना रहे हैं ना वो लोग कि डीपली मेडिटेट करना है, तो वो समझने की कोशिश करो, ऐसे ही मेडिटेशंस जो है हजारों रुपए में बेचे जा रहे हैं, तो ये इतने सस्ते हैं, और वहाँ पे लॉजिकल माइंड नहीं लगाना है,
कि वो क्या बोल रहा है, पिछले सचमुच मुझे पिछले जन्म में जाना है क्या, ये सब बाजू में रख दो। सिर्फ वो डीपली किस तरह से, जैसे होनोपोनो के भी कुछ दिनों पहले बोला था उन्होंने फ्री में रखा है, वो करो या कुछ और करो, जो भी आवाज़ ऐसे साउंड जो है ना, सर डीपली ले जाए आपको। तो अगर आप बहुत टेंशन में हो, बहुत स्ट्रेस में हो, तो ऐसी चीज़ें करके देखो और डीपली अपने अंदर उतर के देखो। तो उस समय लिटरली मैं ऐसा मतलब लाइफ ख़त्म कर दूँ, पता नहीं मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था किसी चीज़ में, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और मैंने वो मेडिटेशन किया और उसके बाद जो चेंज मैंने अपने अंदर पाया, अमेजिंग चेंज, ऐसी एनर्जी मैंने कभी महसूस ही नहीं की। क्योंकि इतना डीप लेवल पे आप जब जाते हो ना, तो पूरे मतलब एनर्जी ब्लॉकेज क्लियर हो जाते हैं पूरी तरह से, एनर्जी डीप अंदर तक आपके पहुंचती है, रिसीव होती है। और बहुत ही मज़ा आया, मतलब शायद वो कछुओं की भी लाइफ कैसी होती होगी ना, मतलब प्राणियों को कोई चिंता नहीं है, इंसानों को देखो कितना चिंता है, सभी चीज़ों की चिंता है। अब प्राणियों को क्या चिंता होती है, कछुए को कोई चिंता नहीं है, मस्त लाइफ में, मतलब ना सोशल टेंशन, समाज का टेंशन नहीं, ना रिश्तेदार, ना पड़ोसी, ना घर वाले, वो अपना मस्त पानी में मज़े से रह रहा है, पानी उसका घर है। तो आई डोंट नो, मैं इतनी खुश हुई, मुझे समझ में ही नहीं आया कि एक सेकंड में मैं सुसाइडल थॉट्स, जैसे मेरा मतलब ये हो गया था, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, जैसे ब्लॉक हो गई हो एनर्जी। और ऐसे मेडिटेशंस मैंने सुने और अचानक से मैं जो है एकदम खुश हुई, ताज़ी तवानी हुई। तो मुझे समझ में आया कि समथिंग इज, कुछ तो है। तो मैंने सोचा कि शायद मैं जो हूँ हिप्नोसिस सीखूँ, और मुझे जो है अपना पास्ट लाइफ जानना है। मैं बिल्कुल जानना चाहती थी कि मैं पास्ट लाइफ में कौन थी, क्या थी, और मुझे हमेशा फील होता था कि कोई कनेक्शन जो है पास्ट लाइफ से है। तो दो नागों की इमेज वाला एक फ़ोटो मैंने डाला है ना, तो मैंने कुछ दिन पहले सपना भी देखा कि जैसे नाग के साथ खेल करते हैं ना, सपेरे बीन बजाते हैं, तो वैसा ड्रीम मुझे आया था। मैंने सर्च किया गूगल पे कि तो क्या मीनिंग है, तो ये आपके पूर्व जन्म के बारे में बताता है कि पूर्व जन्म में कुछ चीज़ें करनी अधूरी रह गई थी शायद, इसलिए आपका जन्म हुआ है। तो वो तो मैं अभी भी नहीं समझ पाती, अभी भी मैं अपने पूर्व जन्म में नहीं जा पाती, और मैं जाना भी नहीं चाहती। जा सकती हूँ अगर रोज़ मेडिटेशन करूँ तो जा सकती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि वहाँ पे भी कोई गड़बड़ है, क्योंकि जो ऑटोमेटिक मुझे पास्ट लाइफ दिखा था उसमें काफ़ी गड़बड़ मुझे दिखाई दी थी। तो मैं डरती हूँ उस पास्ट लाइफ में जाने से, तो ऑटोमेटिक चली जाऊँ तो कोई बात नहीं, बट जानबूझ के मैं उसमें नहीं उतरना चाहती, क्योंकि मैंने वहाँ भी देखा है कि वहाँ भी बहुत स्ट्रेस और तनाव है, हुआ है पास्ट लाइफ में। मैं सीखने के लिए भी मुंबई गई, बट सबने मुझे गलत समझा, सबने सबने मुझे गलत समझा, और वहाँ के टीचर से कुछ मेरी अनबन हो गई और उसने कुछ टॉन्ट मारे मुझे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने मतलब बेसिक हिप्नोसिस सीखा था, खुद को कैसे हिप्नोटाइज करे, क्योंकि मुझे डिप्रेशन आ रहा था, तो मैं अकेले रहने की वजह से डिप्रेशन आ रहा था, कोई साथी नहीं था मेरा, और जो मेरी साइड में लड़की रहती थी वो भी चली गई थी अपने गांव को। तो 4 4 महीने मतलब बिल्कुल वो फ्लोर पे जो थी मैं बिल्कुल अकेली थी, और तो कोई भी नहीं था बात करने को भी। तो ऐसे में मुझे वहाँ पे लगा कि मैं सीखूँ और अपने आप को जो है डिप्रेशन से बचाऊँ, और मैंने फर्स्ट मतलब वो बेसिक तो सीख लिया, और पास्ट लाइफ सीखना था, पास्ट लाइफ में उतरना था, शायद उतर भी जाते, बट उससे अनबन हो गई और टीचर से फीस भी मेरी दे दी थी मैंने, बट बीच से मैं चली आई, मेरा इतना मूड ऑफ हुआ कि मैं ज़िंदगी में कभी इस इंसान का जो है मुंह तक ना देखूं, और कभी भी उसके वीडियो भी सामने आए तो मैं नहीं देखती। मुझे बिल्कुल मतलब इतना गुस्सा आ गया उसके ऊपर, मतलब नज़र से, दिल से, आत्मा से वो इंसान उतर गया कि ऐसा भी कोई हो सकता है क्या, और मैं इसको गुरु समझूंगी, चल हट। ऐसा मुझे लगा कि मेरे गुरु जो है हमेशा आदर्श होने चाहिए, ऐसा मेरा एक रहा है कि किसी से भी कुछ भी सीख लेना ये मुझे पसंद नहीं है। मेरे गुरु हमेशा तत्ववादी हो, उनके प्रिंसिपल्स हो,
ऐसा मुझे हमेशा लगता था। और योगा योग से जो मेरे एक ही के गुरु थे, बहुत ही मतलब इतना परफेक्टली उन्होंने हमको सिखाया था। तो जब मैं ऐसे शहरी लोगों को देखती हूँ कि जहाँ 5,000 फीस होती है वहाँ 25,000 लेते हैं, 50,000 लेते हैं, बड़े बड़े यहाँ पे क्लासेस रखते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं, खाने की फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है, नॉलेज कम मिलता है, और 2-3 बार आपको नाश्ता दिया जाता है, चाय दी जाती है, खाना दिया जाता है, बस 5 स्टार की फैसिलिटी दी जाती है, और होता तो कुछ भी नहीं। तो मतलब वो सब मुझे पसंद नहीं आया। और जो हमारे गुरु थे, उन्होंने जो थे सिर्फ रहने खाने के 600 रुपये लिए थे, जिसमें आने जाने का भी खर्चा था इंक्लूडेड, और एक जैसे झोपड़ी जैसी जगह पर ही वो जैसे हमें लेके गए थे, और बहुत ही नेचर के साथ हमें मज़ा आया। वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, उपमा चाय ही मिलता था, खाना भी नहीं बनता था। तो मैं कहती हूँ कि जिनको भी मतलब डिप्रेशन आता है, देखो गलतफहमियाँ बहुत होती है, लोगों को क्या लगता है पता है, हिप्नोसिस के मेडिटेशन करने से हम हिप्नोटिज्म में चले जाएंगे, फिर कभी वापस ही नहीं आएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। हिप्नोसिस जस्ट एक मेडिटेशन है, जिसमें जैसे क्लियर वॉइंट या जैसे होते हैं ना, जिसको आवाज़ें सुनाई देती है या थर्ड आई में किसी को दिखाई देता है, तो ऐसा वो होता है कि आपको जो है कुछ थर्ड आई में दिखाई दे सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप आजू बाजू का सब भान आपको रहा नहीं, कुछ भी आप समझ में नहीं आ रहा, हिप्नोसिस की अवस्था में चले गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा नींद लग सकती है आपको, इसीलिए सोकर वो करते हैं, नींद लग सकती है, 1 आध घंटे में, आधा घंटे में, 25 मिनट में आप खुद ही उठ जाते हो, मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन ये मतलब कंसंट्रेशन, देखो हम थर्ड आई पे कंसंट्रेशन करते हैं ना, तो हमारी जो ब्रेन की छोटी 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 नसें होती है ना, तो उसको ब्लड सप्लाई बड़ा अच्छा सा होता है, और वो डीप तक जाता है, पर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। ज़बरदस्ती जो है मेडिटेशन हम करते हैं तो जैसे हैंग हो गया माइंड है, जैसे दही जम गया हो, ऐसे थर्ड आई में लगने लगता है। तो थोड़ा प्राणायाम करके, पानी वगैरह पी के, फ्लेक्सिबल होके, जब आपका मूड करे तब करना चाहिए। और ऐसे मेडिटेशंस में जो इतना डीप लेके जाते हैं, ये आप अगर करते हो ना, तो आपके ऑरा पे भी फर्क पड़ता है, आपके बीमारियों में भी फर्क पड़ता है, आपके शारीरिक मानसिक रोग भी दूर हो सकते हैं। जो होते हैं ना, जो मतलब इतने बेचैन होते हैं मन से कि सुसाइड करने तक को मजबूर हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहती हूँ कि आज जो मैं इमेज देख रही हूँ, उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। तो मैंने देखा, 1-2 चेक किए, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आए, बट ये मैंने देखा तो मुझे बहुत पसंद आया। 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि आप तो जानते हो कि क्या हो रहा है मेरे लिए, मतलब गलत फहमियाँ फैलाना यूट्यूब्स पे, और मैं जो हूँ इनर वर्क से दूर करने जा रही हूँ, निगेटिव अटैक हूँ, आपके डीएम के साथ रियूनियन ना हो इसलिए निगेटिव अटैक के रूप में मुझे भेजा गया है, ताकि मैं उनके इनर वर्क को रोक दूँ, और पता नहीं जैसे कर्स करना सिखा रही हूँ, बुरी चीज़ें सिखा रही हूँ। तो मतलब मैं डिस्टर्ब हो गई थी थोड़ा, कि कितना मेरे लिए बुरी चीज़ें सिखाई जा रही है, और जो मैं एक मुझे लगा जो भी है उनके कर्मा है, जब अच्छे कर्मा होंगे तभी तो मुझसे जुड़ पाएंगे। तो कुछ बहुत लोग मेरे मुझसे कमेंट करते थे कि मैडम हम ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं, शायद इसी वजह से आप हमको मिल गए। तो मतलब कर्मा भी तो होने चाहिए अच्छे, जो अच्छे लोगों से जुड़ पाओ, तो अच्छे बुरे की समझने के लिए। और कभी कभी क्या होता है, लोगों कमेंट्स ही करने में इंटरेस्ट होता है, बात क्या कह रहे हैं वो तो नहीं समझते। अब यहाँ लोग समझ रहे हैं कि मैं इनर वर्क को ही बुरा समझ रही हूँ, मतलब जिनको मतलब समझना ही नहीं, वो कहीं से भी उल्टा ही समझेंगे। हाँ, तो मैं थोड़ी उन चीज़ों से, आरोपों से परेशान हो गई थी कि हे ईश्वर देखो मेरे ऊपर क्या आरोप हो रहे हैं, तो उनका हिसाब तो ईश्वर देखेंगे जो भी है। तो मैंने आज से सोच लिया है कि जिसको जो करना है वो करे। वैसे मैं पहले भी वो वीडियोस कभी देखती नहीं थी, बट इन्फॉर्मेशन मिलने लगी तो मुझे चेक करना पड़ा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, बट अब देखा कि ये स्टॉप नहीं हो सकता, मतलब क्योंकि
इसको निगलेक्ट करना ही ठीक है, कमेंटिंग हो, नेगेटिव लिंक्स डालना हो, या मेरे लिए नेगेटिव वीडियोस बनाना हो, जैसे मैं कोई डायन हूँ या खलनायिका हूँ, मुझे तो लग रहा है मुझे उनको गाना भेज देना चाहिए, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं जो भी है। और तो मैं डिस्टर्ब हो गई, तो मेडिटेशन भी मैं कर नहीं पा रही थी, मैं बहुत सारे म्यूज़िक मैंने ट्राई किया, मैं नहीं कर पा रही थी। तो कहीं जाके मेरे ये सामने आया अचानक नज़र में, और मैंने इसको करके देखा और मैं तुरंत रिलैक्स हो गई। और सेम उसी तरह से जब मैं शिरडी में डिप्रेशन में जा रही थी और मुझे इस मेडिटेशन ने रिलैक्स किया, तो मैं एक दो दिन कर रही हूँ कि प्राणायाम भी कर रही हूँ और ये भी कर रही हूँ, तो मुझे काफ़ी रिलैक्स मिल रहा है। तो जो भी लोग ऐसे सुसाइडल थॉट्स में होते हैं, बहुत हेल्पलेसली मेरे पास आते हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ, अगर कोई ऐसा सुन रहा है तो ये वो ऐसे मेडिटेशंस रोज़ सुने जो कि उनको बहुत डीप लेवल तक जाकर हील करे, उनको जो है थोड़ा रिलैक्स करे। क्योंकि क्या होता है कि बहुत माइंड अगर बहुत काम करने लगा है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, मुझे किसी चीज़ में खुशी नहीं मिल रही, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ, मैं बेचैन हो रहा हूँ, मेरा जीने का मन नहीं कर रहा है, उससे अच्छा है कि आप ये एकदम डीप लेवल के मेडिटेशन ट्राई करो, इनर वर्क समझो या कुछ भी समझो, बहुत रिलैक्स मिलता है, बहुत। अब खरीदने से अच्छा है, मतलब सब देखो सबकी कैपेसिटी नहीं होती है, मैं तो अच्छे घर की हूँ फिर भी मेरा नहीं मन किया कि मैं 2-3 हज़ार डालूँ और ऐसे कुछ खरीदूँ। अगर फ्री में मिल रहा है सैंड्रा रूल्स का, फ्री में है, अब उनका नाम गलत लिया तो माफ़ करना, क्योंकि मैं भी उनको बहुत दिन से नहीं जानती, 2-3 दिन से ही मैंने वो देखा है। और अभी जो मैं इमेज भेज रही हूँ उनका स्पिरिट गाइड का भी है, तो परफेक्टली इनका साउंड इतना मैच हुआ है वो सिचुएशन क्रिएट करने में और डीपली उतरने में। तो ऐसे कोई और भी हो तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं भी हीलिंग चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरे ऊपर आरोप किए जाए, बदनाम किया जा रहा है मेरे चैनल को, तो जाहिर सी बात है इतनी नेगेटिव एनर्जी सेंड की है मुझे, तो मुझे भी थोड़ा सा मतलब ऑरा पे मेरे इफेक्ट हुआ है, तो मैं भी हील होना चाहती हूँ। और मुझे काफ़ी रिलैक्स मिल रहा है, सीरियसली बहुत रिलैक्स मिला। और आज कल मुझे बहुत काम मिला, और आज अचानक से सुबह से किसी ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, तो ये बड़ा अच्छा हो गया। क्योंकि क्या हुआ कि मैं मतलब ड्रीम की वजह से, जो ड्रीम मैंने देखा उसकी वजह से मैं डिस्टर्ब थी, तो मुझे लगा कि भगवान, मैंने साईं बाबा से प्रार्थना की अगर सुबह सुबह कोई आने लगा तो मैं मतलब मैं खुद ही डिस्टर्ब हूँ तो कैसे मैं उनको ये करूँगी, तो मैं स्किप ही कर दूँगी थोड़े टाइम के लिए उनको, ऐसा मैं बोल रही थी। तो गॉड ने मेरी ऑटोमेटिक सुन ली, सुबह से किसी ने मतलब कॉल नहीं किया मुझे, तो ये बड़ा अच्छा हो गया। तो मैं कर ही रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार, कुछ लोग जो इतने बेचैन होते हैं उनको भी तो फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन से मैं बस सोच रही थी, बट मैं आपको ये मैसेज देना भूल गई। तो मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं कि आप ये जो पिक दिखाई है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसका ओपन किया है, तो जो भी नाम है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उनका ये जो वीडियो है, अगर आपको जो इंटरनेट, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि जो इंटरनेट खर्च नहीं कर सकते इतना, तो आप साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो उसकी। और जो है देखो, मैं गलत बता रही हूँ, ऐसा कोई मुझे आरोप करेगा कि मैं कॉपीराइट सीखने को, आपके पर्सनल यूज़ के लिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता सबके लिए कि वो जो है 55 मिनट या 1 घंटा रोज़ इंटरनेट खर्च कर सके। गांव के लोग कितने गरीब होते हैं ये मुझे पता है, तो उनके लिए बता रही हूँ, या किसी और के लिए भी पॉसिबल ना हो तो ये आइडिया वो कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, बार बार डाउनलोड किया जा सकता है तो डाउनलोड कर सकते हैं, तो इस तरह से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो और आपको बहुत रिलैक्स होगा। जो भी जिनके भी दिमाग में जो है सुसाइडल थॉट्स या कुछ बहुत डिप्रेशन में बहुत गंदी ख़राब हालत हो चुकी है, तो उनके ये बहुत काम आ सकता है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस लिया है, तुरंत एनर्जी आपकी चेंज कर देते हैं, बड़ा डीप लेवल तक आपको हील कर देते हैं। तो आप भी खुश रहो, मस्त रहो, हील करो अपने आप को और ट्राई करो एक बार, एक बार तो ज़रूर सभी लोग ट्राई करना, एक्सपीरियंस तो लेना कि कैसे लगता है। माहौल शांत होना चाहिए, ईयर कॉर्ड्स लगाइए ताकि बाकी और कोई साउंड सुनाई ना दे, कॉर्ड्स लगाकर आंखें बंद कर अंधेरे कमरे में ही कीजिए, कॉर्ड्स कान को ज़रूर लगाइए।
ताकि बाकी कोई आवाज़ आपको डिस्टर्ब ना करे, और बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है, बिलीव मी। गॉड ब्लेस यू ऑल और खुश रहो सब।